इतना छोटा तो खाया था मैंने, आपको कहा था मैं इसको बड़ा करके दिखाऊंगा। तो अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़्यादा बड़ा, कितना बड़ा हो चुका है। तो भाई अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्त? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों आज ना फिर से हमारी जो डव है उसने तीसरा अंडा भी दे दिया। मैं आपको फ़िलहाल अभी दिखाता हूँ, भाई साहब अंडे दी जा रही हैं, बच्चे निकल ही नहीं रहे। 15 के करीब अंडे दे दिए होंगे। आज मौसम में कमाल कर दिया है। हाँ, और मौसम भी माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत हुआ पड़ा है। मुझे लगता है आज बारिश होगी, तो लास्ट टाइम भी ना मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ पड़ा था, लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो वगैरह डाली थी। तो फिलहाल 2-3 दिनों से ना माशाल्लाह से मौसम अच्छा हुआ पड़ा, अच्छा नहीं हुआ, लेकिन बारिश नहीं हो रही। लेकिन मौसम कभी अच्छा हो जाता है और कभी वो ख़राब हो जाता है। काले बादल आए हुए हैं, ये देखिए चेक करें भाई साहब, इधर से फुल काले बादल आए हुए हैं। अब देखते हैं बारिश आती भी है कि नहीं। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ, 3 अंडे हो चुके हैं। फिर से दिखाता हूँ, मेल, ये फीमेल है या मेल है मुझे नहीं पता, ये क्या चीज़ है, अंडे दी जा रही है, ये पता नहीं क्या चीज़ है, इतने ज़्यादा अंडे दे दिए। तो ऊपर बैठे हुए हैं ये 3 अंडे, आपको मैं अभी अच्छे से दिखाता हूँ। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, ये देखिए 2 या 3 अंडे। और भाई साहब इसी ने ही दिए हैं, और पैड्स गिरी हमारे, ये जो पैड्स हैं इनको भी मैंने इसी केज में छोड़ा हुआ है यार, अभी मेरे पास केज का मसला है इस वजह से। तो ये दोस्तों ये हमारा जो है ना अंडे दी जा रही हैं, पता नहीं चल रहा। तो दुकानदार के पास तो हम लेके आए थे पेयरफुल। तो आप फिर क्या करें बता यार, वो मुझे समझ नहीं आ रही है, बगैर पैर कैसे दे देते हैं यार, पैर भी नहीं लगा हुआ और अंडे भी दी जा रही हैं, यही मसला है। और दुकानदार के पास भी हम नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने फिर से हमें ना चलाकी दिखा के उसने दोनों ही फीमेल दे दी हैं, ये दोनों ही, एक तो फीमेल कन्फर्म होगी है, तो एक तो फीमेल कन्फर्म होगी, दूसरी मेल का पता नहीं चला वो मेल है फीमेल है। खाली अंडे भी दे देती हैं मुझे पता है। तो न्यू पिजन भी आया हुआ है हमारे पास, पिजन भी बहुत कम है, नहीं तो हम पहले बहुत ज़्यादा पिजन इस केज में हमारे बांधते, सभी पिजन्स हमने सेल कर दिए थे, मैंने आपको बताया था। इंशाल्लाह से बहुत जल्द पिजन्स लेके आने हैं, लेकिन बस मौसम भी काफ़ी अचानक ठीक हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा हबस और गर्मी हो जाती है। और जल्दी से ना अभी इतना ठंडा मौसम हुआ भी नहीं है, और मुर्गी जो है ना अपनी सभी चूज़ों को ना नीचे लेके बैठ गई है, सभी चूज़े इसके नीचे ही हैं, और इनमें से फिर से एक चूज़ा जो है ना ढीला लग रहा है, एक तो मर गया ना। हाँ, लास्ट टाइम हमारा एक चूज़ा मर गया था, तो आज फिर से एक चूज़ा जो है ना ढीला लग रहा है। दिखाता हूँ आपको ये वाला, ये जो है ना ये ढीला लग रहा है, ये मुझे नहीं लगता ये भी बचेगा कि नहीं बचेगा। ये भी जो है ढीला, इनको दाना वगैरह डालते हैं, पता नहीं क्या मसला है इनको, इंशाल्लाह से भाई ठीक हो जाए यार, जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ यार। मुर्गी और चूज़ों को मैंने फिलहाल ब्रूडर में शिफ्ट कर दिया और इनको दाना वगैरह भी डाल दिया, दाना वगैरह खा लें फिर जो है ना, मैंने कहा यार इनका भी बंद करने का टाइम था, इनको ब्रूडर में शिफ्ट करने का, सारा दिन जो है ना वही बड़े केज में बंद थे ना, इस वजह से फिलहाल इनको ब्रूडर में। ओ यार पाँव के नीचे चूज़ा दिया हुआ है, दो चूज़े पाँव के नीचे आए हुए हैं, तो हिमाचल से इनको दाना वगैरह डाल दिए, दाना वगैरह खा लो जल्दी से, हिमाचल से स्पीड से दाना वगैरह खा रहे हैं। लास्ट टाइम जो एक चूज़ा मारा है मुझे उसका काफ़ी ज़्यादा दुख है, क्योंकि यार आप समझ सकते हैं यार कितने यार जिन्होंने रखे होते हैं उनको दुख तो होता ही है। तो फिलहाल दाना वगैरह खा ले, और बेबी पिजन जो है उसे भी बाहर निकालता हूँ मैं। आ गया फाइनली बाहर तो आ गया। अब इसको दाना वगैरह खिलाता हूँ मैं। तो आपने इसका अच्छा सा नाम बताइए, देखिए फीड वगैरह कराऊँ, इतना छोटा तो खाया था मैंने, आपको कहा था मैं इसको बड़ा करके दिखाऊंगा। तो अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़्यादा बड़ा, कितना बड़ा हो चुका है। तो भाई और काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो गया, अब ये इतना ज़्यादा है, अम्मी इसे ट्रेन करेंगे इंशाल्लाह से, बाइक के पीछे भी उड़ाना है। तो फिलहाल अभी जो है ना वो उड़ गया बहुत उड़ा है, बहुत उड़ गया, उड़ नहीं सकता यार, इसके लिए जो पाँव है ना ये देखे, ये ना सूजे पड़े हैं। तो दोस्तों मच्छरों का सीज़न है ना मच्छरों का सीज़न है, तो जिसकी वजह से हमारे चूज़े जो हैं उनके भी पाँव पर काटते हैं रात के टाइम, तो पाँव सूज सकते हैं, ये बीमार भी हो सकते हैं। तो कह रहे हैं इनके ना जिसम पे दाने वगैरह नहीं निकल आए। दोस्तों मैं ना अब ये खुद मेरे हाथ से दाना वगैरह खुद ना खुद नहीं खाता, ये हाथ में रख के दूंगा ना, थोड़ा सा खाता है फिर उसके बाद ये ना दाना नहीं खाता, थोड़ा पास लिया गया, ये दाना खुद नहीं खा रहा, पता नहीं क्या मसला है इसे, इसका मुंह खोल के इसके मुंह के अंदर दाना वगैरह डालना पड़ता है।
अब इसने दो या तीन दाने खाए हैं, दो या तीन दाने खाएगा, पाँच सात दाने खाएगा, फिर उसके बाद फिर बस छोड़ेगा। हाथ से खिलाना पड़ता है, बीमार भी हो गया यार, ये भी टेंशन रहती है। आप कहते होंगे कि भाई आसान, काफ़ी आसान काम है, लेकिन तीन टाइम मैं दाना वगैरह खिलाता हूँ हाथ से, इस तरह पकड़ के, इस तरह पकड़ के मैं इसको दाना वगैरह खिला रहा हूँ तीन टाइम मुँह खोलकर। अब इसको ऐसे ही दाना वगैरह खिला लेता हूँ जल्दी। अभी काले बादल आए हुए थे तो फिर से जो है धूप निकल आई है। तो यार कभी इसी तरह मौसम है, दो तीन दिनों से ना मौसम इस तरह से ही चल रहा है। तो फिलहाल इसे मैंने दाना वगैरह खिला दिया, इसे पानी वगैरह पिला के फिर इसमें इसके केज में बंद करता हूँ। और दोस्तों इसका आपने अच्छा सा नाम बताना है, इसका क्या नाम रखना चाहिए। अभी इनको मैंने दाना वगैरह डाला ही है भाई साहब, एक सेकंड में चैट भी कर दिया है सभी चिक्स ने। अब मैंने इनके लिए ना भिगो की रोटी रखी हुई है, इन सबको डालते हैं और मुर्गों को भी भिगोई रोटी डालते हैं। दोस्तों मैं ना मुर्गे बहुत कम ही दिखाता हूँ, आपको पता स्ट्राइक वगैरह आ गई उसके बाद मैं मुर्गे बहुत ज़्यादा कम दिखा रहा हूँ, और मुर्गे सेल भी कर देने हैं तो दिखाने नहीं है आपको। न्यू पिजन आया हुआ है, वो देखे सामने न्यू पिजन आया हुआ, वो सामने जा रहा था यार। जब हमने पिजन रखे हुए तो उस वक्त कोई न्यू पिजन आता नहीं था, अब जी इतने ज़्यादा न्यू पिजन आ रहे हैं पकड़े भी नहीं जा रहे, तो इंशाल्लाह से ले आएंगे। तो एक फ़ीमेल हमारे पास पड़ी हुई है, उसका मेल लेके आना था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो फ़ीमेल भी, जो मैंने लास्ट टाइम आपको मैंने बताया भी था। ये बैक हमारी बेचारी के लिए, इसका पार्टनर लेके आना। कोई भी चीज़ हमारी कम्प्लीट नहीं हुई, वो देखे सामने हमारी फ़ीमेल बैठी हुई है अकेली पिजन, अकेली पिजन है यार। अभी दोस्तों बजट भी नहीं है आपको पता है। दोस्तों फिर आपने बताया नहीं कि ये हमारी जो दखनी तीतर हैं इनके बारे में बताया नहीं, इनमें से फीमेल कौन सा है, फीमेल कौन सी है और मेल कौन सा है, कौन आपने बस बताया नहीं। मुझे इसका इतनी नॉलेज नहीं है इनमें से फीमेल कौन सी और मेल कौन सा, तो फिर इनका भी पेयर कंप्लीट करना पड़ेगा क्योंकि आप बता ही नहीं रहे। और जो है ना इन सबको मैंने भिगोई हुई रोटी डाली है, तो भाई साहब ये खा ही नहीं रहे। अभी ये देखे वैसे की वैसी पड़ी हुई है, ये देखे मुर्गा एक अंदर बंद है इधर, वो चूजे अंदर बैठे हुए हैं। चलो चूजे ने भी भिगोई रोटी कुछ ना कुछ खाई है, इसी वजह से मैं इनको बंद करने का टाइम आ गया था। फिर हाँ क्या करें बता, थका पड़ा तो ये थका है हर टाइम, ये ना थका रहता भाई साहब। वीडियो जब भी मैं इसको कहता हूँ ना बनाने का, ये भाई साहब हर टाइम मदद नहीं करवाता, दिल नहीं कहता इसको भाई बुलाने का। फिलहाल बस अब क्या कह सकते हैं, मदद करवाता है, मदद करा दो, कितनी मदद कराता हूँ यार, फिर भी कह रहा तो बुलाने का दिल नहीं कर रहा। ये मदद करवाता है तो मेरी, दो मिनट रेस्ट की यार, रेस्ट किया। जब भी मैं कुछ कहता हूँ ना कोई काम, भाई साहब ये थका ही रहता। फिलहाल देखे आपने, मैंने सारा काम मैंने कंप्लीट किया फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो का कौन सा सारे काम मैंने नहीं किए, ये बात ये फैसला ऑडियंस भी कर सकती है, आपको पता है ना। कह रहे आपने दोस्तों बताना ज़्यादा काम कौन करता है, ये करता है या मैं करता हूँ। फिलहाल सारा काम मैंने भिगोई रोटी डाली, सभी को मैंने दाना वगैरह डाला, पानी वगैरह लेके कौन है क्या, ये भिगोई रोटी उठा के लेके आया भाई, डालना मुश्किल है या भाई यार सारा काम आसान ही होता, लेकिन फिलहाल ये थका रहता है हर टाइम, आलस जैसे आलसी है ना, आलसी ये काफ़ी ज़्यादा इस वजह। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पैन करते हैं, आज की वीडियो आपको कैसी लगी आपने लामी बताना। तो फिलहाल दोस्तों मुर्गे जो हैं, मुर्गों की भी मैंने आपको कह रहा था कि भाई मुर्गे भी बहुत कम मैंने आपको दिखाने हैं वीडियो में, क्योंकि भाई यूट्यूब वाले है ही बहुत सख्त, हमारा चैनल टर्मिनेट कर देना उन्होंने बिल्कुल ही, चैनल ना यूट्यूब वाले ने उड़ा देना। तो अर्निंग ना भी आई तो चलो कोई बात नहीं, हमारी वीडियो तो सेव रहेंगी, एक यादगार रह जाएगी। इस वजह से मैं ना कह रहा हूँ कि चैनल हमारा टर्मिनेट ना कर दे। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर ऐड करते हैं, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप लाजमी बताना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, दो में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।